डियर फ्रेंड्स नमस्कार। दोस्तों आज फिर नीला तोता को लेकर के यानी नीला तोता के उपयोग क्या हैं उस बात को लेकर के ये सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ। और इसका जो सेकंड पार्ट ये जो है तो नीला तोता का उपयोग, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में एक स्किन बनी हुई है जिस पे दाद टाइप का बना हुआ है, तो दाद, खाज, खुजली, इसमें बहुत अच्छा उपयोग है इसका। अच्छा, इससे पहले भी फ्रेंड्स मैं नीला तोता के ऊपर दो वीडियो डाल चुका हूँ, जिसका पहली वीडियो का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा ऊपर, और दूसरी वीडियो भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप क्लिक करके आप दोनों को देख सकते हैं, पार्ट वन को भी देख सकते हैं, नीला तोता उपयोग पार्ट वन #1, और दूसरे को आप देख ही रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिस के लिए आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं, जो आपके यूज़फुल वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि ये नीला तोता का आगे प्रयोग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, दाद, खाज, खुजली या चरम रोग होने पर नीला तोता और गंधक को बराबर मात्रा में लेकर कांसे की थाली में डालकर 2 बूंद सरसों का तेल डालकर जब तक मथना चाहिए तब तक कांसे की थाली का कालापन उसमें ना आ जाए, फिर हल्का पानी डालकर और मथें। ऐसे 2-3 बार करके चरम रोग वाले स्थान पर लगाएं और 2 घंटे बाद धो लें। ऐसा 3-4 दिन लगाएं, दाद, खाज जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपने ये देखा कि ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उस मेहनत का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं, क्योंकि दाद, खाज, खुजली और चरम रोग जो होते हैं ये बहुत ही कष्टकारी होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को देखा और इसके उपयोग के लिए आप उपयोग पुनः मैं बता देता हूँ कि दाद, खाज, खुजली, चरम रोग होने पर नीला तोता और गंधक दोनों को बराबर मात्रा में ले लें, यानी 10 ग्राम नीला तोता लें, 10 ग्राम गंधक ले लें और उसको कांसे की थाली में डालें बारीक करके, उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डालें और उसे मथें, बढ़िया करके रगड़ें, मथें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि उस कांसे की थाली का कालापन उसमें ना आ जाए, फिर हल्का सा पानी डाल करके फिर से मथें, और ऐसा 2-3 बार करके, तो 2-3 बार करेंगे तो वो अच्छी तरह से बन जाएगा, और उसे करके फिर आप चरम रोग वाले जो भी स्थान हैं वहाँ पे उसे आप लगाएं, लेकिन लगाएं 2 घंटे के लिए ही और उसके बाद धो दें उसे। ऐसा आप 3-4 दिन करेंगे, चरम रोग, दाद, खाज, खुजली जो भी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल होगी और आप इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।